सो हाय गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसे हम कहते हैं अपना इंडोक्राइन सिस्टम। तो ये इंडोक्राइन सिस्टम है क्या, ये हमारी बॉडी के अंदर करता है क्या, इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, क्यों हम इसे इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं, तो सब कुछ जानेंगे आज इसी वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा ये जो ह्यूमन बॉडी सिस्टम होता है उसके अंदर ही हमारा इंडोक्राइन सिस्टम आता है, उसके अंदर ही हमारे नर्वस सिस्टम आते हैं और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सोक्राइन सिस्टम, ढेर सारे सिस्टम आते हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे ह्यूमन बॉडी सिस्टम के अंदर इतने सारे सिस्टम आते हैं, इन सब का अलग अलग फंक्शन होता है और ये सब अलग अलग फंक्शन हमारी बॉडी के अंदर करते हैं, तभी हमारी बॉडी एकदम फिट रहती। तो इसलिए आज हम इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं और ये जानने वाले हैं कि इसका इम्पोर्टेंट क्या है, हमारी बॉडी के अंदर क्या काम करता है ह्यूमन बॉडी सिस्टम के अंदर। तो इंडोक्राइन सिस्टम हमारा एक ह्यूमन बॉडी सिस्टम का पार्ट है, तो ह्यूमन बॉडी सिस्टम के बारे में पहले थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, ह्यूमन बॉडी सिस्टम होता है क्या है, सिंगल सेल से सब कुछ होता है। एज अ सिंगल सेल अवर लाइफ स्टार्ट विद अ सिंगल सेल, एज अ सिंगल सेल जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ था। फिर जब वो सेल ग्रुप में आने लगे तो टिश्यू बने, मतलब जब वो सेल ग्रुप ऑफ सेल मिलकर हमारे टिश्यू को बनाए। फिर जब वो टिश्यू हुए तो टिश्यू क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल होते हैं, टिश्यू को हम क्या कह सकते हैं, ग्रुप ऑफ सेल। फिर जब वो टिश्यू ग्रुप में आने लगे तो उन्होंने एक सिंगल ऑर्गन को बनाया, ग्रुप ऑफ टिश्यू मेक अ सिंगल ऑर्गन। फिर जब वो ऑर्गन सिंगल था, फिर जब वो ग्रुप में आने लगा तो वो ग्रुप ऑफ ऑर्गन ने मिलकर एक सिंगल ऑर्गन सिस्टम को बनाया। और फिर जब ऑर्गन सिस्टम बना तो ये सारे ऑर्गन सिस्टम भी होने लगे, मतलब ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम ने मिलकर हमारे ह्यूमन बॉडी सिस्टम को बनाया जिसे हम पढ़ते हैं। तो ह्यूमन बॉडी सिस्टम लिविंग ऑर्गेनिज्म इस तरह से बना। लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ कहाँ से स्टार्ट हुई है, एज अ सिंगल सेल बाय द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। इस चीज को आप लोग याद रख लीजिए, बिकॉज सेल इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अवर लाइफ। अब देखिए, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं प्रोसेस क्या है, बिकॉज ये प्रोसेस कभी भी किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है फ्रॉम बायो स्टूडेंट के लिए, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहले सेल एज अ सिंगल सेल जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, क्योंकि हमारी लाइफ सिंगल सेल से स्टार्ट होती है। अब देखिए, फिर जब वो सिंगल सेल था तो हमारी लाइफ की फॉर्मेशन तो हो चुकी थी, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ था, धीरे धीरे जब वो सेल ग्रुप में आने लगे तो उन्होंने एक सिंगल टिश्यू को बनाया, और फिर जब वो टिश्यू ग्रुप में आने लगे तो उन्होंने ऑर्गन को बनाया, और फिर जब वो ऑर्गन ग्रुप में आने लगे तो उन्होंने ऑर्गन सिस्टम को बनाया, और फिर ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम मिलकर हमारे ह्यूमन बॉडी सिस्टम को बनाते हैं, और उनके अंदर ही हमारे ये सब फंक्शन आते हैं, इंडोक्राइन सिस्टम, एक्सोक्राइन सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड मेनी मोर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडोक्राइन सिस्टम है क्या, बेसिकली अगर हम इंडोक्राइन सिस्टम की बात करें तो इसका खुद का मेन जो है वो ग्लैंड से रिलेटेड है। क्या बोला मैंने, ये जो इंडोक्राइन सिस्टम होता है तो हमें पता होना चाहिए कि इंडोक्राइन सिस्टम बेसिकली हमारे एक मेजर ग्लैंड से मिलकर बना हुआ है। ये जैसे कि हमारे बुक में दे रखा है कि इंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, तो आप बता देंगे कि अवर इंडोक्राइन सिस्टम बेसिकली जो है किस चीज से मिलकर बना हुआ है, एट मेजर ग्लैंड से। इंडोक्राइन सिस्टम इज मेड अप ऑफ एट मेजर ग्लैंड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। फिर ये सारे ग्लैंड फंक्शन करते हैं, जो आठों फंक्शन होते हैं, आठों ग्लैंड होते हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन करते हैं। ये सारे ग्लैंड क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट फंक्शन करते हैं, दे सीक्रेट सम हार्मोन्स। देखिए, ग्लैंड्स का ये सब करते क्या है, हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं, किसका सिक्रेशन करते हैं, हार्मोन्स, सिक्रेशन ऑफ हार्मोन्स बाय द ग्लैंड। ग्लैंड जो है क्या करते हैं, हार्मोन्स को सिक्रेट करते हैं, ये सारे ग्लैंड फंक्शन करते हैं, एंड द फंक्शन इज सिक्रेशन ऑफ हार्मोन्स ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी में जितने भी हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, हार्मोन्स का सिक्रेशन जो होता है हमारी बॉडी में, वो सब करता कौन है, हमारे ग्लैंड्स करते हैं। जैसे कि एड्रिनल ग्लैंड होता है, हमारे किडनी का कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, इस तरह हम लोग सारे ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। अभी यहाँ पर हम आपको एक बार में सब कुछ नहीं पढ़ाने वाले क्योंकि आपको बाउंस कर जाएगा,
थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे फ्रॉम बेसिस, तो आपको अच्छे से सबको समझ में आ जाएगा। तो देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि हमारा एंडोक्राइन सिस्टम एक मेजर ग्लैंड से मिलकर बना है, और ग्लैंड का काम क्या होता है, हार्मोन्स को रिलीज करना, हार्मोन्स को सिक्रेट करना। हमारी बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, आप सोचते होंगे कि हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, तो ये करता कौन है, ये हमारे ग्लैंड्स करते हैं। एक मेजर ग्लैंड होते हैं जिनका काम क्या होता है, सिक्रेशन ऑफ हार्मोन्स। किसी का हार्मोन्स ज़्यादा सिक्रीट हो जाता है, तो देखते नहीं होंगे आप किसी की हाइट बहुत ज़्यादा होती है, किसी की हाइट बहुत कम होती है, ये सब क्या होता है, हार्मोन्स की वजह से होता है। अब देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि हार्मोन्स का सिक्रेशन जो हमारी बॉडी में होता है, ये हमारे ग्लैंड्स करते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे ये हार्मोन्स क्या होते हैं, क्योंकि यहाँ से ये क्वेश्चन उठता है, हार्मोन्स क्या होते हैं। देखिए, हार्मोन्स क्या है, जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि हार्मोन्स क्या है, तो हार्मोन्स एक केमिकल सब्सटेंस है। हार्मोन्स क्या है, हार्मोन्स इज अ केमिकल सब्सटेंस, हार्मोन्स हमारा केमिकल सब्सटेंस है। दिस इज सिक्रेटेड, हार्मोन्स इज सिक्रेटेड बाय द ग्लैंड, जो कि ग्लैंड से ही सिक्रेट होता है। हार्मोन्स किस चीज सिक्रेट होता है, ग्लैंड से, क्योंकि हमारा एट मेजर ग्लैंड जो होता है उन्हीं से हमारे जो है हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। और देखिए, हमारी बॉडी के अंदर ही हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है विद द हेल्प ऑफ ग्लैंड, ग्लैंड से ही। अब देखिए, हमारी बॉडी के अंदर मतलब जिनके खुद के कुछ स्पेसिफिक फंक्शन हैं। अब देखिए, एक बार रिवाइज करते हैं, हार्मोन्स क्या है, व्हाट इज हार्मोन्स, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हार्मोन्स, हार्मोन्स आप क्या समझते हैं, क्या होता है वो, तो आपको लिखना पड़ेगा, हार्मोन्स इज अ केमिकल सब्सटेंस दैट इज सिक्रेटेड बाय द ग्लैंड्स। किसके द्वारा सिक्रीट होता है, ग्लैंड्स के थ्रू सिक्रीट होता है। फिर देखिए, जिनके खुद के कुछ स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं, उन सारे ग्लैंड के खुद के कुछ स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं। अब देखिए, हमारी बॉडी के अंदर ये जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही हैं, हमारी बॉडी के अंदर ये जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही है, अब मेटाबॉलिक क्या होता है, मेटाबॉलिक इज इक्वल टू कैटाबॉलिक प्लस एनाबॉलिक। अब देखिए, हमारी बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही हैं, उन सब में इनका हार्मोन्स का मेजर रोल है। जो हम लोगों की बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है, वो हार्मोन्स की वजह से ही होती है। किसकी वजह से होती है गाइस, हार्मोन्स की वजह से होती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हार्मोन्स की वजह से होती है, बाय हार्मोन्स। अब देखिए, उन सब में इनका मेजर रोल है, किसका, हार्मोन्स का। अब देखिए, हार्मोन्स को सिक्रेट करने में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो हो रही हैं, इन सब का होना, इन सब में मेजर क्या है, रोल किसका है, वो है हमारे ग्लैंड का, जिनका अलग अलग काम होता है। अब ऑल द प्रोसेस टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ अ सब्सटेंस। अब देखिए, अब बात करते हैं, और ये जो हार्मोन्स हैं, ये जो हमारे हार्मोन्स है, ये डायरेक्टली फ्लो हो रहे हैं, हार्मोन्स हमारे डायरेक्टली फ्लो हो रहे हैं ब्लड के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर हार्मोन्स डायरेक्टली फ्लो होते हैं। क्लियर, ये चीज समझ में आई। अब देखिए, एंड ब्लड फ्लो ओवर ऑल द पार्ट्स ऑफ बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन्स डायरेक्टली फ्लो हो रहे हैं, और ये जितने भी, और ये जो ब्लड है, फ्लो ऑल ओवर द पार्ट ऑफ बॉडी, जितना भी मतलब कि पूरी बॉडी में ये फिर फ्लो करता है। अब देखिए, सो दीज हार्मोन्स आर ऑल्सो फ्लो विद द हेल्प ऑफ ब्लड। ये जितने भी हार्मोन्स फ्लो करते हैं, विद द हेल्प ऑफ ब्लड ही फ्लो करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। ऑल दीज हार्मोन्स आर ऑल्सो फ्लो विद द हेल्प ऑफ ब्लड एंड दे हेल्प इन रेगुलेटिंग और डूइंग सम पर्टिकुलर फंक्शन। ब्लड की हेल्प से ही हार्मोन्स फ्लो करते हैं हमारी बॉडी के ऑल ओवर द पार्ट ऑफ बॉडी। क्लियर, आप देखिए, एंड दे हेल्प इन रेगुलेटिंग, किसमें हेल्प करता है, रेगुलेटिंग में, और कुछ स्पेसिफिक पर्टिकुलर फंक्शन करने में हेल्प करता है। क्लियर, अब देखिए, ये चीज आपको समझ में, अब देखिए, आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा इंडोक्राइन सिस्टम होता है, एक बार पूरा रिवाइज करते हैं, जिससे कि अगर हम लोग अब इसके बारे में जब पढ़ें एकदम डेप्थ से, तो आपको ये बेसिक चीजें अच्छे से पता हो। देखिए, इंडोक्राइन सिस्टम जो होता है, ये हमारे मेजर एट ग्लैंड से मिलकर बना हुआ है,
और जो कि ग्लैंड का काम क्या होता है, हार्मोन्स को सिक्रीट करना, तो सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स बाय द ग्लैंड, ग्लैंड से सिक्रीट होता है हमारी पूरी बॉडी के अंदर। अब देखिए, अब हार्मोन्स क्या होता है, हार्मोन्स एक केमिकल सब्सटेंस है जो कि क्या करता है, ग्लैंड से सिक्रीट होता है, जो कि ग्लैंड से सिक्रीट होता है। और ये क्या, इसका काम क्या होता है, हार्मोन्स एक केमिकल सब्सटेंस है जो कि ग्लैंड से ही सिक्रीट आउट होता है। जैसे कि आप देखते हैं हमारी बॉडी के अंदर ये जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, इनमें किनका रोल होता है, हार्मोन्स का होता है। किसी की हाइट ज़्यादा होती है, किसी की हाइट कम होती है, तो ये भी हार्मोन्स की वजह से होती है। किसी के हाथ दूषित होते, मतलब इसमें हाइट बढ़ना, हाइट कम होना, ये सब चीज़ें हार्मोन्स की वजह से होती हैं। बिकॉज किसी में हार्मोन्स जल्दी रिलीज होते हैं और किसी में लेट में। और ये जो हार्मोन्स रिलीज होने का बेस्ट टाइम, मतलब ये एडल्ट, मतलब कि ये होता है फ्रॉम ईयर 12 से लेकर ये 16 ईयर्स के बीच में हार्मोन्स ज़्यादा रिलीज होते हैं। आप देखिए, अब अगर बात करें, और ये जो हार्मोन्स होते हैं डायरेक्टली फ्लो करते हैं ब्लड के अंदर, ब्लड के अंदर डायरेक्टली फ्लो करते हैं। और जो हमारा ब्लड होता है ये हमारी पूरी बॉडी में फ्लो करता है। आपने पढ़ा होगा सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड हमारी पूरी बॉडी में फ्लो कर रहा है। और दीज हार्मोन्स आर ऑल्सो फ्लो विद द हेल्प ऑफ ब्लड, ब्लड की हेल्प से ही फ्लो करता है। तो ये सब कुछ हमारे इंपॉर्टेंट था अबाउट एंडोक्राइन सिस्टम। हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अदर ह्यूमन बॉडी सिस्टम के साथ।